कभी कभी मेरे दिल में ऐसा भी विचार आता है कि काश थोड़ा और जल्दी इस दुनिया में आ जाता तो ऐसी फैंटास्टिक चीजें देखने मिलती जो आज हम जिसकी सिर्फ बात कर सकते। आज हम लोग एक एपिक एपिक मतलब बहुत जबरदस्त गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो इंटरनेट के हिसाब से 31 साल तक प्रोडक्शन में थी, मारुति 800 के बारे में। हेलो एंड वेलकम गाइस, वंस अगेन दिस इज रोहित दुबे एंड वेलकम टू कॉकटेल बडीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सन 1980 में लोगों को सक्सेसफुल माना जाता था तब जब उनके पास एक फाउंटेन पेन हुआ करती थी, जब उनके पास एक शानदार घड़ी हुआ करती थी और And then you have Maruti 800. Sorry for that. लेकिन Maruti 800 सन 1980 में एक स्टाइलिश स्टेटमेंट। So आपने देखा कि कैसे पुराने लोग मतलब literally उनको तीन लोगों मतलब 1980s में यही सीन था और अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑफ कोर्स मारुति सुजुकी, वो मैन्युफैक्चर होती थी गुड़गांव हरियाणा में और 31 साल तक प्रोडक्शन में थी। यानी तकरीबन अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें यहाँ बताया जा रहा है तो 1983 से लेके तो 2014 तक मारुति 800 इज इन प्रोडक्शन। और एक बहुत बढ़िया और अच्छी बात इसके बारे में मुझे ये लगी कि आसपास के जो छोटे छोटे मतलब कंट्रीज थे जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका, इनफैक्ट यूरोप और पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट करती थी मारुति सुजुकी इन गाड़ियों को। एंड दिस व्हीकल इज द मोस्ट रिलायबल व्हीकल इन द माइंड ऑफ इंडियन फैमिली। मैंने भी झेला। ओके, तो 800 में ऐसा क्या स्पेशल है? उसका दो ही स्पेशल चीजें हैं जो इंडियन गाय को गाड़ी पसंद आती है। सबसे पहला, बहुत अच्छा देती है माइलेज और दूसरा सिंपल एंड सोबर, नो नीड टू मेंटेन एंड दैट शिट ऑल ऑफ द टाइम कि लेके जाओ मेंटेन करो, इट्स रियली नॉट डन। ओके, और मुझे इसके बारे में जो सबसे बढ़िया बात बताई कि क्योंकि सुजुकी जब इंडिया में आई तो उन दिनों कुछ ऐसा था, इमरजेंसी का था तो उस समय क्या होता था कि जब कोई भी कंपनी बाहर से इन्वेस्ट करने आती थी इंडिया में तो उसके लिए ऐसे नियम ठहरे थे कि उसको इंडिया की किसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करनी थी। तो मारुति एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट की ही कंपनी थी और मारुति ये वर्ड आया हमारे एक मिथोलॉजिकल गॉड से, हनुमान जी से ऑफकोर्स। ओके, इसके बारे में फैक्ट की बातें कुछ ऐसी पता चली कि ये इंडिया में जो इंडियन मार्केट में जो 800 बिकती थी वो MPFI में बिकती थी, यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में 800 cc FB8 नाम का वो इंजन था, वो हमें MPFI में मिलती थी और पाकिस्तान में इसी का कार्बोरेटेड वर्जन था। ओह माय गॉड। और इसको आपको ये जान के मतलब हैरानी होगी, क्यों? क्योंकि बेसिकली नहीं क्या, जापान में इसी कार को बोलते थे सुजुकी ऑल्टो, वाह, और इसी कार को पाकिस्तान में बोलते थे मेहरान, वाह, सुजुकी मेहरान, और इंडिया में ऑफकोर्स है मारुति सुजुकी 800 बोलते थे, और यूरोप में इसको बोलते थे सुजुकी मारुति, जस्ट उल्टा। कमाल कमाल की बात है यार, बहुत अच्छी फैक्ट। और इसकी एक और अच्छी फैक्ट ये मुझे लगी कि मोर देन 2.7 मिलियन यूनिट्स उनने ना सिर्फ बनाए उनको सक्सेसफुली बेचा भी, और आज भी एक मिलनी चाहिए मॉडल। तो बेसिकली ये गाड़ी थी मिनी मिनी कार, फोर डोर हैचबैक। अब हैचबैक जिसको नहीं पता वो जाके गूगल कर ले, जिसका छोटा सा वो पिछवाड़ा होता है और पूरा का पूरा दरवाजा जिसको फिफ्थ डोर बोलते हैं वो ऐसा बाहर की तरफ से ऊपर की तरफ खुलता है, वैसी गाड़ियों को हैचबैक कहा जाता है। तो यस, हैचबैक टाइप की व्हीकल थी।
इसके बारे में और भी अगर अगर बात करें तो हम डिमेंशंस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो कर्व वेट था 650 बहुत हल्की थी यार, नहीं गलत हो गया कुछ, ओके तो यहाँ पे 650 केजी कर्व वेट है विदाउट एसी और 665 केजी कर्व वेट है विद एसी, 15 किलो का एसी लगाया है मतलब, ठीक है ओके फाइन। यहाँ पे हम 800 को रोस्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे ही हो रहा है ओके तो ग्रॉस व्हीकल का जो वेट था 1000 किलो था, इट्स गुड ओके। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, सीटिंग कैपेसिटी 4 सीटर है, नहीं 4+1 नहीं, इट्स एक्चुअली 8-10 समटाइम 12 सीटर आल्सो। अब आप पूछ रहे होंगे कि 8 सीटर वो कैसा, ना एक बार उन 8 लोगों में से एक मैं भी था, ठीक ओके। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी तकरीबन 28 लीटर है जो कि बहुत अच्छी ड्राइव रेंज दे देती है। दो टाइप, तीन टाइप के थे एक्चुअल में, हाँ एक 3 गियर की आती थी, एक 4 गियर की आती थी, एक 5 गियर की, ऑटोमेटिक क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, पागल हो गए तुम लोग, ऑटोमेटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं व्हाट द हेक व्हाट वी आर मेकिंग ओके। अगर मारुति सुजुकी वालों का हमको मेल आता है कि प्लीज डिलीट वीडियो, तो हम खुशी खुशी उस वीडियो को नहीं डिलीट करेंगे ओके ओके। तो परफॉर्मेंस भी बताना है मेरे को आपको और फ्यूल इकोनॉमी भी, लेकिन क्योंकि इंडिया की सबसे फेवरेट गाड़ी थी इसलिए पहले फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं, क्योंकि देती कितना है ना। तो अबाउट हाईवे माइलेज का 20.1 किलोमीटर बताया और सिटी माइलेज 17, अच्छा है ठीक है। और परफॉर्मेंस अगर, अब यहाँ पे एक मस्त चीज है, परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो 130 किलोमीटर पर आवर ये फ्यूल इंजेक्टेड वाली गाड़ी ठीक है, और 145 किलोमीटर पर आवर कार्बोरेटर। पाकिस्तानी ज्यादा माहौल कर रहे थे अपने से, क्यों, क्योंकि वो कार्बोरेटेड 800 चला रहे थे। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ऐसा कुछ नहीं है, डोंट टेक इट रॉन्ग प्लीज, वी आर जस्ट किडिंग अबाउट समथिंग ठीक है ना। यहाँ तक तो वीडियो देखता कोई अपना एवरेज शुगर वेटर चार ठीक है ना ओके। तो अभी बात करेंगे इंजन की ओके। F8B नाम का इंजन था, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्पीड, और F8D नाम का इंजन था MPFI के साथ में 5 स्पीड के साथ में ओके। डिस्प्लेसमेंट था अबाउट 796 cc, यानी 49 क्यूबिक इंच का इंजन ओके। नंबर ऑफ सिलेंडर इनलाइन 3 सिलेंडर दो, और फ्यूल टाइप ऑफ कोर्स पेट्रोल, एंड पीक पावर था 37 bhp 5500 rpm पे, और तकरीबन 45 bhp 6000 rpm पे 5 स्पीड वाले इंजन के बारे में ओके। सस्पेंशन इज प्रीटी मच गुड, मैकफर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग फ्रंट में, और कॉइल स्प्रिंग विद कैस्ट फील्ड शॉक एब्जॉर्बर रियर में जो कि बहुत अच्छा है, और ट्रांसमिशन मैनुअल थे यार, फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार ऑटोमेटिक गियर, गलत है अपने अपने जनता ही अलग ही लेवल की जनता है अपने ठीक है ओके। अब स्टेयरिंग रैक एंड पिनियन ब्रो, लाइक ट्रक के जैसा पलटाना पड़ता था, फिर भी इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम था, 14 फीट 14.5 फीट ठीक है। ब्रेक फ्रंट में डिस्क थे और रियर में ड्रम थे हाइड्रोलिक हो, मैं अपने दादाजी के लिए बहुत खुश हूँ, कम से कम ब्रेकिंग तो अच्छी थी, भगाते तो वो थे नहीं लेकिन ब्रेक तो लगने चाहिए ना, ब्रेक लगने चाहिए ओके। तो व्हील्स और टायर रेडियल ऑप्शनल, मेरे ख्याल से रेडियल टायर उस समय लग्जरी हुआ करते थे, और आपको रेडियल टायर ऑप्शनल मिलेंगे, लाइक कम ऑन यार, मतलब ये तो बेसिक नीड है यार, कम ऑन ठीक है। तो यही इतना, वी आर गोइंग टू रैप ऑन दिस वीडियो, टिल देन गाइस राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, टिल देन दिस इज रोहित दुबे साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल, सी यू अगेन।